नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाराष्ट्र में महाविकास अगाड़ी में सीटों का बंटवारा हो गया है। कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच सीटों के समझौते पर आखिरी मोहर लग गई है। तीनों पार्टियों ने 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, यानी 255 सीटों पर डील फाइनल हो चुकी है, जबकि बाकी बची 33 सीटों में से कुछ सीटें समाजवादी पार्टी और दूसरे सहयोगियों को दी जाएंगी। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले कई दिनों से खींचतान चल रही थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 100 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस इतनी सीटें देने के लिए राजी नहीं थी। यानी लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी से गदगद कांग्रेस महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका निभाने को बेताब थी, लेकिन सीट बंटवारे की फाइनल डील में तीनों पार्टियां बराबरी पर हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उद्धव सेना की ही ज्यादा चली। हालांकि उद्धव सेना की 100 सीटें मिलने की उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ, शिवसेना यूबीटी ने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। शिवसेना यूबीटी ने सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोपरी विधानसभा सीट से आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई, उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एकमत हमने किया है सीट के ऊपर। हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूं। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच सीटों पर फंसा पेच तभी सुलझा जब दोनों पार्टियां शरद पवार के घर पहुंची। हालांकि मंगलवार को ऐसी खबर आई कि कांग्रेस महाराष्ट्र में 100 से 105 सीटों पर लड़ सकती, जबकि उद्धव सेना 90 से 95 के बीच लड़ेगी। लेकिन अल सुबह संजय राउत ने महाराष्ट्र की जनता का हवाला देकर सेंचुरी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सत्ताधारी महायुति को एमवीए पर तंज का मौका दे दिया। हालांकि महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने साफ किया कि संजय राउत और नाना पटोले के बीच कुछ भी गड़बड़ नहीं है। देश हमेशा ये चाहता है कि शिवसेना सेंचुरी पार करे, सेंचुरी लगाए। वो क्या कर रहे हमें पता है, हम लोग उसमें जाना नहीं चाहते। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी से इतर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ताल ठोक रखी है। माना जा रहा है कि बाकी बची 33 सीटों में समाजवादी पार्टी को भी सीटें दी जाएंगी। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान सिर्फ 255 सीटों पर ही हुआ है। ब्यूरो